सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा मैडम ऑटो खराब हो चुका है बेहतर होगा कि आप दूसरी रिक्शा कर लो जी थैंक यू अच्छे घरों की लड़कियां इस तरह सुनसान रात में अकेले नहीं घूमा करती प्लीज मेरी बात सुनिए ले चलो इंस्पेक्टर साहब प्लीज चलो रुके इंस्पेक्टर ये यहाँ मुझे लेने आई थी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उससे इनका कोई संबंध नहीं इंस्पेक्टर साहब दरअसल बात यह है कि ये मेरी बहन है एक्चुअली मैं यहाँ पर आया था और ये मुझे समझा बुझा कर वापस लेने के लिए यहाँ आए थे शर्म नहीं आती तुम्हें तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम्हारी बहन जेल चली जाती तकलीफ तो होती और साथ ही उम्र भर बदनामी झेलती वो अलग देखो आज तुम्हारी बहन तुम्हें खुद लेने आई है इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ आइंदा अगर ऐसी जगह पे दिखाई दिए तुम्हें जेल में डाल दूंगा सॉरी सर माफी चाहता हूँ मैं हमसे गलती हुई जा सकती है चलो अजीत तुमने आज नहीं अर्चना शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें बचाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर अर्चना आज तक मेरी वजह से बहुत कुछ सहन करना पड़ा तुम्हें आज भी सह रही हो तुम्हारा पिता हुआ कल तुम्हारी खुशियां ये सब वापस नहीं कर सकता मैं लेकिन बस
तुम्हारे आने वाले कल को बचाने का एक मौका सामने दिखाई दिया, इसलिए मैं अच्छा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं तुम्हारा, इतना कि मैं तुमसे माफी की उम्मीद तक नहीं कर सकता। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, और भगवान मुझे जब जब मौका देगा, जब जब तब तब मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा, अपनी बुराई को अच्छाई से मिटाने की कोशिश करूंगा। जी, जो हुआ वो मैं भूल चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी वो भूल जाना चाहिए। और सच कहूं अजीत, तुमने जो भी बर्ताव मेरे साथ किया वो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है अर्चना। हाँ, मतलब देखो ना, अगर तुम मुझे उस बदनाम गलियों में नहीं लेकर जाते तो मैं कभी मानव से नहीं मिलती, और मैं अपनी इतनी बड़ी खुशी से हमेशा वंचित रहती। अच्छी, जो भी हुआ ना, बप्पा की मर्जी समझकर भूल जाओ, मैं भी भूल चुकी हूं। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई को जागता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह और इतने बदल जाओगे। अर्चना, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, भगवान की लाठी चलती है ना तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन जब भी वो पड़ती है तब अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगती है। पिछले एक साल में मुझ पर भी भगवान की लाठी बरसी, जमकर बरसी। जितना दर्द मैंने लोगों को दिया था उससे कई ज्यादा दर्द मैंने उस एक साल में सहा है अर्चना। बदले की आग में आंधा होकर मैंने तुम्हारी और वंदिता की जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज देखो आखिरकार मेरी अपनी जिंदगी बर्बादी के उसी छोर पर आकर खड़ी हो गई। नहीं अजीत, आज तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, और पछतावे से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, तो ये समझो कि तुम्हारी आज से नई जिंदगी शुरू होती। देखना, बप्पा तुम्हारी हर जगह मदद करेंगे। ऑटो अर्चना, रात बहुत हो चुकी है और ऐसा लगता है कि बारिश फिर से शुरू होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। थैंक यू अजी। एक बात कहूं, आज बहुत अच्छा लगा एक नए अजीत से मिलकर। भैया संभाल के। अर्चो, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, पता है तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, और टीवी पर बता रहे थे कि बारिश की वजह से ट्रेन्स भी लेट है। मुझे इतनी चिंता हो रही थी ना अर्चो। क्या करूं, जो हुआ सब कुछ बता दूं आई को? नहीं नहीं, ये सही वक्त नहीं है, खामखा और चिंता होगी उसे, और कुछ नहीं। अरे क्या हुआ अर्चो, मुझे बता ना, तू घर तक पहुंचे कैसे? आई, मुझे स्टेशन पर ही पता चल गया था कि आज सारी ट्रेन बंद है, तो इसीलिए मैंने तुरंत ऑटो कर ली। अच्छा हुआ। अच्छा एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए अदरक वाली अच्छी चाय बनाकर लाती हूँ। तुझे पता है अर्चो, घर में और एक मुसीबत हो गई। क्या हुआ है? देख, मैं सोचती हूँ कि मुझे विनोद के घर जाना चाहिए, बच्चों के लिए सही, लेकिन उसे मेरी जरूरत है। लेकिन तेरे बाबा ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। आई, बाबा कहाँ है? पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे साथ एक जोरदार झगड़ा किया और तम तम आते हुए पता नहीं कहाँ चले गए। आई, तो बाबा की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और देख, बाबा ने आज तक मेरी कभी कोई बात टाली है क्या? नहीं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बादशाह खड़े है, पानी देने जाना चाहिए, हवा खाते खड़े है ना। या, दोसा, एक पानी भी हाथ से नहीं लिया जाता,
हर चीज के लिए बीवी लगती है। मैं बीवी होके नौकरानी हूँ। इसीलिए तो शादी करके लाया हूँ मैं तुझे यहाँ। अच्छा तो शादी करके आपने बीवी नहीं नौकरानी लाई है, इसलिए मैं मेरे बाबा से कह रही थी ये आदमी के साथ मत शादी करवाओ मेरी। सविता चुप बैठना, अभी इतने साल मेरे साथ रह रही है लेकिन अभी तक हल्का सा मजाक नहीं समझ सकती। मजाक किया था तो एक काम करिए, अब जब मजाक करने वाले होंगे ना तो 2 मिनट पहले मुझे बता दो, अभी मैं मजाक करने वाला हूँ, तो मैं समझ जाऊंगी आपने मजाक किया। हाँ बोलूंगा बोलूंगा, अभी मैं मजाक कर रहा हूँ। जाने दे, आज मैंने एक नई बात देखी। अर्चना मिली थी मार्केट में, इसका मतलब वो वापस आ गई है। ये बात बहुत पहले मुझे मालूम पड़ चुकी थी। मानव ने मुझसे बात छुपाने की कोशिश की लेकिन उसका लीव एप्लीकेशन मुझे मिला जिसमें अर्चना का साइन था। मला काळजी वाटते। कसली काळजी, कौन सी चिंता कर रही है तू? अभी ये बात अगर श्रावणी को समझ गई का मतलब ही क्या, कहीं ना कहीं से उसे तो पता ही चल जाएगा। और ये लड़की आपको मालूम है ना कैसी है। तुझे एक बात बताऊं सविता, जब भी मैं मानव और अर्चना के बारे में सोचता हूं ना तो श्रावणी मुझे कहीं नजर ही नहीं आती। उन दोनों की दुनिया अलग ही है, उन दोनों के बीच में कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। अर्चना का वापस आना यही साबित करता है। मतलब तुझे नहीं लगता अर्चना का हमारी जिंदगी में वापस आना बाप्पा की एक रचना है? अर्चना सिर्फ हमारी जिंदगी में वापस नहीं आई है, वो हमारे साथ जुड़ भी गई है। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? सब कुछ समझ रही है, सब कुछ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं रही है। मैं भी चुप हूँ, मैं बस पापा की रचना का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंतजार कर रहे खाने के लिए। देखिए आईने आज आपकी सारी फेवरेट चीजें बनाई, जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जाइए, हम लोग खाना खाते हैं। नहीं बेटी, तुम लोग खाना खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है और वैसे भी मैंने बाहर वड़ा पाव खा लिया है। वड़ा पाव? वो डॉक्टर चिल्ला चिल्ला कर आपको बताता है कि बाहर की चीजें मत खाया करो, तली हुई चीजें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी आप सुन रही है ना अर्चू? अर्चू अपने आई से कह दे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है उसे, वो अपने बेटे के घर जाना चाहती है तो जाए, मेरे खाने पीने का इंतजाम मैं अपने तरीके से कर लूंगा। सुना तूने अर्जुन? सुना, सुबह से मुझे ऐसे ताने मार रहे, अब बेटे के घर ही जा रही हूँ ना, कोई गुनाह थोड़ी कर रही हूँ। अरे अर्जुन आप मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा आई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही है ना, आई सिर्फ थोड़े दिन के लिए जा रही है। बाबा आप जानते हैं ना पुण्या आई को कितना मिस करती, और रुचि उसे भी तो अपने आजी का प्यार चाहिए ना बाबा। चलिए इन सब की छोड़ी, लेकिन एक बात कहूं बाबा, इन सबसे ज्यादा जरूरत आई की दादा को है। हाँ बाबा, दादा बिल्कुल अकेले, वो जब से घर छोड़कर गए ना वो एक दिन के लिए भी चैन की नींद नहीं सो पाए, वो कभी कहेंगे नहीं लेकिन हम जानते हैं ना ये बात। बाबा आई जाएगी ना वहां तो उन्हें जीने का हौसला मिलेगा, अपनों के साथ रहने का एक मौका मिलेगा। सिर्फ एक बार विनोद दादा के खातिर आई को खुशी खुशी जाने दीजिए, और फिर
मैं हूं ना आपके साथ यहाँ, हम दोनों रहेंगे, हम बहुत मस्ती करेंगे। ठीक है बेटे, जाने दे तेरे आई को वहां, लेकिन अपने आई से पूछ, मुझे यहां छोड़कर वो वहां अकेली रह पाएगी? अर्चू तू पूछ, इन्हें मेरी चिंता है या खुद अकेले रहने की चिंता है? अपने आई से कह दे मुझे मेरी चिंता नहीं है, मेरा क्या है, मैं आराम से रह लूंगा यहाँ। अच्छा मैं भी देखती हूँ। अर्चू इन्हें बता। आई बाबा प्लीज ना अभी मत झगड़ो, पहले हम खाना खाते फिर जितना झगड़ना होगा उतना झगड़ना, ठीक है? चलो बाबा जल्दी आओ, भूख लगी। उठा ना भरले वांग्याची भाजी के लिए उठा। हाँ ये लीजिए। मानव, मानव मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मानव इस एक साल में बहुत कुछ बदल गया है ना, कल मैंने एक सबसे अच्छा बदलाव देखा। मैं अजीत की बात कर रही हूँ। अजीत? लेकिन उससे कहाँ मिले तुम? कितनी अजीब बात है अर्चना, जिस अजीत की वजह से तुम उस चीज में एक दिन फंसी थी, आज उसी अजीत की वजह से तुम यहाँ से बच निकली। शायद इसी को बप्पा की लीला कहते हैं। और अच्छा है कि जीत मानव। मानव मैं हमेशा से मानती आई हूँ कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब देखिए ना, अगर अजीत मुझे वहां नहीं ले जाता तो मैं कभी आपसे नहीं मिल पाती। सच कहती हूँ मानव, जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो मुझे कभी दुख नहीं होता, क्योंकि इस एक हादसे ने मुझे आपसे जोड़ दिया था। सकती है हमारे अलग होने के पीछे कौन सी अच्छी वजह छुपी है? मानव आपके मन में उठ रहे सवाल मैं भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन हमारे अलग होने के पीछे क्या वजह है वो तो मैं भी नहीं जानती। पापा शायद हमें वो बता सके। मैं बहुत खुश हूँ बंधु के लिए, ये एक साल में अजीत में जो बदलाव आया है ना, देखना बंधु की जिंदगी में भी जरूर अच्छा बदलाव आएगा। बस 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 कैसे भी करके अजीत को एक अच्छी नौकरी मिल जाए ना, ताकि वो अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर पाए। चलो मैं निकलता हूं। मानव मानव आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अजीत को यही बुला लीजिए, मैं सतीश से अजीत की नौकरी के लिए बात करती हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अर्चना, लेकिन तुम मजीद के लिए इतना कुछ? मानव अगर अपनों के लिए अपने जख्म भूल जाना पड़े तो भूल जाना चाहिए। मैं भी जाके उसे बताता हूँ, उसे लेके आता हूँ। आप इस डिलीवरी के मुझे 500 रुपए देने वाले थे, ये तो सिर्फ 200 रुपए है। मैंने तुझे 200 रुपए दिया ना, तू ये सोच ले मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है।
क्योंकि जिस तरह तू काम करता है ना उसके हिसाब से 200 रुपया बहुत है। लेकिन मेरी बात, तू जा, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। सर काम पे तो मैं काम से ना थाम के इनके नखरे कौन से है। लेकिन मेरी बात तो सुन, तू जा, मेरी बात तो सुन।